दोस्तों नमस्कार और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम अधिगम के सिद्धांत थियरी ऑफ लर्निंग के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और उनके प्रवर्तक के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, सीटेट, यूपीटेट, यूकेटेट यानी किसी भी टेट लेवल की जो परीक्षा होती है तो उसमें थियरी ऑफ लर्निंग के अंतर्गत सिद्धांत और उसके जो प्रवर्तक होते हैं उनसे संबंधित सवाल लगभग पूछे जाते हैं। संख्या में एक या इससे अधिक भी प्रश्न इस सेगमेंट से पूछे जा सकते हैं। कभी कभी कुछ सिद्धांत ऐसे भी हैं जिनके नाम एक से अधिक होते हैं और उस वजह से हमें कन्फ्यूजन हो जाती है, हमारे जो जवाब होते हैं वो गलत हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2, 4, 6 या मैक्सिमम 10 नंबर से अपनी टेट की परीक्षा, सीटेट की परीक्षा क्वालिफाई करते करते रह जाते हैं। इसका मूलभूत कारण यही होता है कि वो चीज़ों को वहाँ पर ठीक से समझ नहीं पाते हैं या फिर जो थियरीज, जो सिद्धांत के नाम पूछे जाते हैं उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं और उसके जवाब देते समय वो गलती कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए कि इस प्रकार की गलतियाँ आपसे एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल ना हों। तो चलिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट थियरीज, सिद्धांत और उसके प्रवर्तक के बारे में। कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिसके बारे में हम जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। देखिए, इसे जो है एस आर थियरी के नाम से भी जाना जाता है। एस इज स्टैंड फॉर स्टिमुलस एंड आर इज फॉर रेस्पॉन्स थियरी। एक्चुअली में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको सिद्धांत और उसके प्रवर्तक के बारे में ही पूरी जानकारी उपलब्ध कराऊं। अलग अलग वीडियोज में अगर आप कहेंगे तो इसकी पूरी व्याख्या भी मैं आपको प्रोवाइड करता हुआ आगे बढ़ूंगा। तो एस आर थियरी के प्रवर्तक कौन है? ये है थार्नडाइक और 1913 में उन्होंने ये थियरी प्रदान की थी। थार्नडाइक जो थे वो अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिका के निवासी थे। और कभी कभी एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि थार्नडाइक क्या व्यवहारवादी थे? तो इसका जवाब होगा हाँ। ठीक है, तो यानी कि थार्नडाइक एक व्यवहारवादी थे, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, इसको कहा जाता है सीआर थियरी। कई बार पूछा जाता है कि सीआर थियरी के प्रणेता प्रवर्तक कौन हैं? तो इसके जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है पाउलो। 1904 में उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। पाउलो जो थे वो रूस के निवासी थे। ठीक है, और सी का मतलब यहाँ पर होता है कंडीशनड और आर का मतलब होता है रेस्पॉन्स, कंडीशन रेस्पॉन्स थियरी या फिर सी आर थियरी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, देखिए ये कई बार पूछा गया है और कई बार लोग इसमें कन्फ्यूज भी रहते हैं। तो देखिए, सक्रिय अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसको जो है अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ज़्यादातर इसे जो है आर एस थियरी के नाम से जाना जाता है। तो तीनों थियरीज एक ही हैं, सक्रिय अनुबंधन या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन या फिर अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, इसको जो है आर एस थियरी के नाम से भी जाना जाएगा। आर इज स्टैंड फॉर रेस्पॉन्स एंड एस इज फॉर स्टिमुलस। और इसको एक नाम और भी दिया गया है, वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी। तो ये सारी थियरी एक ही हैं और इसके प्रवर्तक हैं स्किनर। स्किनर भी एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। 1938 में उन्होंने आर एस थियरी को दिया था। कब दिया था? 1938 में। और ये जो थे वो भी अमेरिका के ही निवासी थे और इन्होंने जो प्रयोग किए थे वो चूहे और कबूतर पर किए थे। तो कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है। अब बात करेंगे सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसको थियरी ऑफ इनसाइट के नाम से अक्सर जाना जाता है या फिर इसे गेस्टाल्ट थियरी, गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए, यहाँ पर मैं 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम बता रहा हूँ। अगर इन चारों के नाम हो, एक विकल्प आपको चुनना होगा तो आप वर्दीमर को चुनिएगा। अगर वर्दीमर नाम उसमें ना हो तो आप कोहलर, कोफा या कोट लेविन, किसी को भी चुन सकते हैं। एक्चुअली में गेस्टाल्ट सिद्धांत के जो मुख्य प्रवर्तक हैं वो वर्दीमर माने जाते हैं और इन्होंने कोहलर के प्रयोग के आधार पर ये थ्योरी, ये सिद्धांत हमें प्रदान किया है। और इस प्रयोग में कोहलर का सहयोग किया था कोफा और कुट लेविन ने। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद आपका आता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है,
तो अगर प्रश्न ये पूछा गया कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, तो जवाब इसका होगा अल्बर्ट बंडूरा ने 1966 में। निर्मितवाद का जो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को संरचनावाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी कि निर्मितवाद का सिद्धांत या फिर संरचनावाद का सिद्धांत एक ही सिद्धांत है, और इसे जो है जेरोम ब्रूनर ने दिया था। और निर्मितवाद का सिद्धांत जो था, इसे जो है जेरोम ब्रूनर ने कहा था, जेरोम ब्रूनर का संरचनावाद का सिद्धांत। तो ये दोनों सिद्धांत एक ही हैं, प्रवर्तक इसके हैं जेरोम ब्रूनर। नेक्स्ट है आपका पुनर्बलन या प्रबलन या सबलीकरण का सिद्धांत, इसको जो है थियरी ऑफ री एनफोर्समेंट भी कहेंगे। पुनर्बलन, प्रबलन या सबलीकरण, और इस सिद्धांत के प्रणेता प्रवर्तक हैं क्लार्क हल। और उसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत, अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत, और इस सिद्धांत के प्रवर्तक कार्ल रोजर्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत हैं थियरी ऑफ लर्निंग के अंतर्गत, और ये उसके प्रवर्तक हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमने आपसे इस वीडियो में चर्चा किया। वीडियो को संक्षिप्त रखने का प्रयास किया गया है, टू दी पॉइंट रखने का प्रयास किया गया है, और सीटेट की परीक्षा में अगर आप शामिल हो रहे हैं तो पूरे आत्मविश्वास के साथ आप शामिल होइए, और अगर कहीं पर भी कोई डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट करके हमसे बता सकते हैं, उस लेवल की डिफिकल्टी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आगे दीजिए नमस्कार, जय हिंद।